बात करते हैं ऋषभ पंत की। ये देखो भाई, यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। तो देखिए, हादसा देखकर हर कोई हैरान था, सन्न था। वीडियो देखकर हर कोई दुख में था और अंदाजा लगा रहा था कि जो भी शख्स इस कार के अंदर हो, क्या वो बच पाया होगा। और बाद में पता चला कि ऋषभ पंत थे, टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर। कार देखकर कलेजा मुंह को आ रहा था, लगता ही नहीं था कि ऐसे भीषण हादसे के बाद कोई भी बच सकता हो। लेकिन ऋषभ ने मौत को मात दे दी और ये किसी चमत्कार से कम नहीं। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। गोली की रफ्तार से टक्कर, डिवाइडर से भिड़ंत, बार बार पलटती कार, कार के बाद आग, धू धू कर जली कार और सही सलामत ऋषभ पंत। देखो, एक्सीडेंट हो गया सुबह। जरा इस वीडियो को देखिए, सीसीटीवी में कैद ये वीडियो ऋषभ पंत के हादसे का है। हादसे के वक्त सिर्फ 5 सेकंड में कार 200 मीटर तक उछल कर डिवाइडर से जा भिड़ी। सीसीटीवी में कैद विजुअल्स बताते हैं कि दुर्घटना के समय ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर से ज्यादा रही होगी। इतनी रफ्तार से टक्कर के बाद कार का क्या हाल हुआ, तस्वीरों में देखा जा सकता है। लेकिन जिस वीडियो ने सबसे ज्यादा चौंकाया, वो है हादसे के बाद का पहला वीडियो। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है, ये बंदा बेचारा। इस वीडियो में ऋषभ पंत होशो आवाज में दिख रहे हैं, लहूलुहान है, लेकिन पैरों पर खड़े हैं, दर्द से करा रहे हैं, लेकिन बातें कर रहे हैं। ये इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी है और इसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि जलने से पहले ये एक मर्सिडीज एएमजी पेट्रोल वर्जन थी। जिस तरीके से इस गाड़ी को इस वक्त देखा जा रहा है, एहसास ये भी नहीं होगा आपको कि कोई व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट इस गाड़ी में हुआ होगा वो बचकर इस गाड़ी से बाहर निकला। सुबह के वक्त ये मर्सिडीज बेंज टकराई एक डिवाइडर से। डिवाइडर से टकराने के बाद पूरा डिवाइडर तोड़ते हुए, छलांग मारते हुए रोड के उस तरफ जाते हुए ये गाड़ी सीधी गिरी। ऋषभ पंत गाड़ी के अंदर थे, उन्होंने विंडशील्ड तोड़कर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और उस वक्त वो खून में लथपथ थे। लेकिन जिस तरीके से अब ये गाड़ी दिखाई दे रही है, उसके बाद ही पेट्रोल लीक होने के बाद और शायद गाड़ी में कुछ शॉर्ट सर्किट होने के बाद पूरी गाड़ी जलती हुई दिखाई दी। आपको वीडियोस में दिखाई दिया होगा, इस वक्त ये जो गाड़ी है मर्सिडीज बेंज, ये यहाँ के स्थानीय पुलिस थाने में रखी हुई है। और पुलिस थाने में यहाँ पर रखने के बाद इस गाड़ी के अवशेष देखकर जांच पड़ताल की जाएगी। कई सवाल हैं, क्या स्पीड थी गाड़ी की, डिवाइडर से क्यों टकराई, क्या कारण रहा। हालांकि ऋषभ पंत ने खुद अपने होशो आवाज में बताया है कि शायद उन्हें हल्की सी नींद उस वक्त महसूस हुई, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन पुलिस इस वक्त जाँच पड़ताल करती हुई, क्योंकि ऐसा भयानक एक्सीडेंट देख कर को एहसास नहीं होगा कि कोई इस गाड़ी में बैठा था और इस गाड़ी से कोई जिंदा बचकर बाहर निकल पाया। ये चमत्कार ही तो है कि रुड़की के पास जहां ऋषभ की कार डिवाइडर से टकराई, वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस रुक गई। जैसे ही ऋषभ की कार हादसे का शिकार हुई, बस के ड्राइवर और कंडक्टर भागते हुए कार के पास आए और निकलने की कोशिश कर रहे ऋषभ की मदद में जुट गए। बात करते करते वो हमारे से 100 मीटर आगे डिवाइडर से टकराई और डिवाइडर से टकराते 3-4 पलटे लिए और फिर वो कनेक्टर साइड में सीधी होगी, क्योंकि मैं भी कनेक्टर साइड में हमारी बस थी। मैं कहा बिल्कुल ये तो सामने सामने की टक्कर है, इसमें तो बचना मौत है, क्योंकि सीधी आएगी तो बस के अंदर घुसेगी, हमारे दो शीशे के अंदर घुस जाएगी। मैंने देखा भाई ये तो बचना मुश्किल है। वो थोड़ी ही कनेक्टर साइड में जाती दिखी, तो मैंने, क्योंकि मैं कनेक्टर साइड में था, मैंने गाड़ी को ड्राइवर साइड में डाल दिया। सारा टाइमिंग का खेल था, जरा देर होती तो कुछ भी हो सकता था। ऋषभ के बाहर आते ही कार धू धू कर जलने लगी और सिर्फ 5 मिनट में पूरी कार जलकर खाक हो गई।
मैंने जल्दी से एक सवारी से शॉल ली, उसको उड़ाया और दूसरी तरफ जो सड़क दिल्ली से रुड़की जा रही है उस सड़क के पार करके उसको वहां डिवाइडर पे बैठा दिया। तब तक मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, सुशील कुमार ने पुलिस को फोन लगाया। 108 नंबर पे एम्बुलेंस को फोन करने के बाद जस्ट 15 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई। हादसे के वक्त ऋषभ मर्सिडीज बेंज AMG GLE 43 कूपे चला रहे थे। इस कार की सेफ्टी फीचर्स जबरदस्त है, 6 एयरबैग्स हैं, सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम है, स्पीड वार्निंग सिस्टम है, ब्रेक असिस्ट है, हिल होल्ड सिस्टम है। लेकिन हादसे के बाद कार का कुछ भी नहीं बचा, अब कार बस लोहे का कबाड़ है। डिवाइडर से टक्कर के बाद कुछ पलों में आग से कार खाक हो गई, लेकिन किस्मत ने ऋषभ को दगा नहीं दी। और पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंचने से पहले इन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था, और जैसे झपके टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई और फिर उसको पलटते और आग लगते हुए देखा। तो ये लोग तत्काल अपना इमरजेंसी ब्रेक लगाए इन्होंने बस पर, और इमीडिएटली जो है दोनों लोगों ने आकर के, इनका कहना है कि पंत जो थे वो आधा अंदर थे गाड़ी के आधा बाहर थे और गाड़ी चल रही थी, उन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। ये भी चमत्कार ही है कि हादसे में लहूलुहान ऋषभ को अस्पताल पहुंचने में ज्यादा देर नहीं हुई, फौरन एम्बुलेंस भी आ गई, फौरन डॉक्टर भी एक्शन में आ गए, फौरन अस्पताल में इलाज भी शुरू हो गया। मतलब जब यहाँ पर आए वो काफी चोटें थी, काफी नाजुक हालत थी उनकी, लेकिन हमारी टीम ने उनको जल्द से जल्द विद इन 15 मिनट रिवाइव किया और अच्छे से मतलब उनका ट्रीटमेंट वो किया। तो फिर हमने उनके एक्सरे कराए, तो एक्सरे में तो कोई बोन इंजुरी नहीं थी, उनकी राइट नी में लिगामेंटल इंजुरी है। जो भी MRI की रिपोर्ट आएगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चमत्कार कह लें या फिर किस्मत या संयोग, अगर आज ऋषभ सही सलामत है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है, हादसे के बाद सब कुछ ऋषभ के पक्ष में रहा। नेगेटिव न्यूज के बीच भी जिस तरह से बातें आई थी सामने की, जो दृश्य आए थे सबके सामने, वो हिला देने वाले थे, लेकिन एक चमत्कार जो हुआ था जिसमें ऋषभ पंत मामूली चोटों से बच निकले थे, उसके लिए भी लोग भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। अभी हमें देखना है कि DCA के जो ऑफिशियल्स हैं वो ऋषभ पंत को देखने के बाद, उनके साथ जो मेडिकल टीम आई है उनके परिवार से बात करने के बाद बाहर आते हैं और मीडिया को कैसे ब्रीफ करते हैं। कैमरा पर्सन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।